नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांचवी की पुस्तक व्याकरण भारती का पाठ दो वर्ण। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं और प्रत्येक ध्वनि का एक लिखित रूप होता है, इसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसे वर्ण या अक्षर कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, जैसे क, ट, च, त या प। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण स्वर, वर्ण से वर्णमाला बनती है। निश्चित क्रम में लिखे समूहों के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर अ से लेके अ तक, अ आ इ ई उ उ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर हैं। इसमें स्वर के दो भेद बताए गए हैं अभी आपकी पुस्तक में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं अ ई उ और री। ह्रस्व स्वर वाले वर्णों को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों को बोलने में, उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। अर्थात स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ओ के बाद आता है अंग और अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं विसर्ग और अनुनासिका। अनुनासिका और आगत स्वर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार यानी अंग की मात्रा वाले शब्द। इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। उदाहरण के लिए अंग, पंग, मांस। इसी प्रकार से हम और शब्द भी ले सकते हैं, जैसे कंघी, अंकित, कंबल इत्यादि। दूसरा है चंद्रबिंदु वाला जो शब्द है, जिसको अनुनासिक कहते हैं। इसके अंतर्गत, इसके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे चांद, बांस, कांच, गांठ, मुंह, बूंद, सून, खूंटा, भंवरा, हंसना, लांगना, झांकना, दांत, बांसुरी, पांच, अंगूठी, आंचल इत्यादि। ये सभी अनुनासिका वाले शब्द हैं, जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। अगला है विसर्ग। विसर्ग में, इसे विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता। उदाहरण के लिए देखते हैं, प्रातः, अतः, नमः, नमः, पुनः, प्रातः। तो इस प्रकार से विसर्ग वाले शब्द होते हैं। अगला आता है आगत स्वर, आगत ध्वनि। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, चौक, हॉल, हॉट, बाल,
काफी। इस प्रकार से आप और उदाहरण भी इसके देख सकते हैं। बच्चों, सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, सिर्फ अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी आ से लेके अ तक सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। आप फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो स्वर और उनकी मात्राओं से आप भली भांति अवगत होंगे। फिर भी आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पाठ दो वर्ण और वर्णमाला वाला जो पाठ है आपका, इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपकी मात्राओं में कोई अशुद्धि न रहे। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ, और बाकी आगे के पाठ के लिए मैं दूसरी वीडियो में फिर से उपस्थित होंगी आपके सम्मुख। आज के लिए आपके लिए होमवर्क यही है कि आप पाठ दो।